मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस की दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है और इस दौरान जैकलिन की रेगुलर बेल पर सुनवाई हुई है। वहीं जैकलिन ने ईडी पर उन्हें परेशान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी मुझे इस मामले में परेशान कर रही है। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट से रेगुलर बेल की मांग की। जैकलिन पर देश के महाठग सुकेश को सहयोग करने का आरोप है। वहीं जैकलिन अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जैकलिन की जमानत पर हालांकि फैसला भी सुरक्षित, यह खबर इस वक्त। जी मीडिया संवाददाता राजू राज जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, आज जैकलिन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा कोर्ट ने, अभी तक क्या अपडेट और आपके पास जिरह क्या हुई? बिल्कुल, बता दूं कि आज लगभग एक से डेढ़ घंटे तक दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। जैकलिन आज खुद पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी। जैकलिन के लॉयर की तरफ से एक अर्जी लगाई गई थी उनकी जो रेगुलर जो जमानत है वो दिया जाए, क्योंकि अभी तक जैकलिन अंतरिम जमानत। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी लेकर लगातार सुनवाई हुई दोनों पक्षों की तरफ से, ईडी की तरफ से भी और जैकलिन के लॉयर की तरफ से भी तमाम दलीलें रखी गई। दलील इस बात को लेकर कि जैकलिन ने आरोप लगाया कि ईडी उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है और उन्हें परेशान कर रही है। वहीं ईडी की तरफ से ये दलील भी दी गई कि जैकलिन चूंकि विदेशी महिला है और ये देश से भाग सकती है, लिहाजा हमने इनके खिलाफ एलओसी भी खोल रखा है। और जैकलिन की तरफ से ये दलील दी गई कि वो लगातार जो ईडी की जांच है उसमें सहयोग कर रही है, जितनी बार भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया वो पहुंची है। तमाम दलीलों को सुना गया और इसके बाद सबसे बड़ा बात है कि पैसों को लेकर ईडी की तरफ से ये कहा गया कि जैकलिन जो गवाह है उससे प्रभावित कर सके हैं, जानते हुए भी कि सुकेश का अपराधी प्रवृत्ति, उसके बावजूद भी सुकेश से इनके ताल्लुकात थे, उसके जरिए पैसे लिए और एक बार 50 लाख तक का जो अमाउंट है वो अब तक ईडी अधिकारियों ने एक साथ नहीं देखे और जैकलिन 7.14 करोड़ रुपए ली है, उससे मौज मस्ती करती रही है। तो एक गंभीर आरोप है और कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई कि अगर इतने गंभीर आरोप है तो आपने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, सिर्फ आपने एलओसी खोला है। तमाम बातों को दलीलों सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और इस पूरे मामले में कल सुनवाई होगी, क्या जैकलिन को जो जमानत है जो रेगुलर जमानत वो मिलती है या नहीं है या फिर वो अंतरिम जमानत पर रहती है, ये देखना होगा कल कोर्ट का क्या आदेश आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजूराज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।